Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वेट लॉस रेमेडी जिसे बनाना बिल्कुल ईजी है और इसे कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में जमा हुआ फैट मक्खन की तरह पिघल जाएगा एंड विद इन अ मंथ यू आर श्योर फील लाइट ऑन योर फीट। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल योर लव्ड वंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वेट लॉस रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने ली है अदरक जो कि है करीब 150 ग्राम, से मैंने अच्छे से पील कर लिया है, इसका छिलका उतार दिया है, इसे वॉश कर लिया है, और 5 नींबू लिए हैं मैंने इस रेमेडी के लिए। साथ ही मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, जो रेगुलर ज़ीरा हम घर में यूज़ करते हैं, और 1 टेबलस्पून लिया है दालचीनी का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने अदरक को जब धोने के बाद इसे चॉप कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अदरक के बारे में तो सब जानते हैं, ये वेट लॉस में कितना ज़्यादा हेल्प करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और स्पेशली हमारे बेली फैट को टारगेट करता है। तो इस रेमेडी में अदरक का इस्तेमाल इसीलिए मैंने किया है ताकि आप जिनका पेट निकला हुआ है उनको इसमें फ़ायदा हो। तो इसी तरीके से हमें सबको चॉप कर लेना है। नेक्स्ट लिया है नींबू, इसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। लेमन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि लेमन जूस से ज़्यादा लेमन की स्किन में विटामिन सी होता है, विच इज़ एक्सेलेंट इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। तो लेमन का यूज़ हम इसमें रेमेडी में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे नींबू को और अदरक को चॉप कर लेंगे। तो ये सारा चॉप हो गया, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे एक बर्तन में मैं सारा नींबू और अदरक को ट्रांसफर कर दिया, साथ ही मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून डालना है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर और ज़ीरा भी हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ डाइट्री फाइबर जिससे हमें भूख नहीं लगती है। तो इसमें मैंने 1 ग्लास भर के पानी भी डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है इस टाइम। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो आप इसको सिम पे कर दें और इससे करीब 15 मिनट के लिए आपको कुक करना है, जब तक कि अदरक नींबू सब सॉफ्ट नहीं हो जाते। हम इसे कुक करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहना है। पंद्रह मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी भी रिड्यूस हो गया है और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। ये रेमेडी हमारी ठंडी हो गई, इसे हम एक ब्लेंडर में सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो पानी है इसमें वो भी डाल देना है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसे हमें बिल्कुल बारीक सा पीस लेना है। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है और ये करीब 20 दिन के लिए मैंने रेडी किया है। इसे आप 20 से 25 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसे एक ग्लास कंटेनर में मैं ट्रांसफ़र करके अपने फ्रिज में रखूंगी, आप भी इसी तरीके से बनाएं। ये देखिए इसे आप करीब 20 से 25 दिन तक फ्रिज में रखे आप यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको करना ये है कि रोज़ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपको खाली पेट इसे लेना है। 1 ग्लास में 1 टीस्पून आपको ये वेट लॉस रेमेडी लेनी है। साथ ही लेना है बिल्कुल गर्म पानी, पानी आपका थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म पानी इसमें हम यूज़ करेंगे। और इसे देना है अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो उसे ऐसे ही ले सकते हैं, अगर आपको शहद नहीं पसंद है इस तरीके की ड्रिंक्स में तो आप ऐसे भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा होता है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको घर का ही बना हुआ खाना खाना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको लेने हैं। तो मैं इसमें शहद डाल के मैं इस ड्रिंक को लेती हूँ। तो इसमें 1 टीस्पून मैं शहद डाल रही हूँ। आप जो हनी इसमें यूज़ करेंगे वो आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादातर मार्केट्स में ऐसे हनी आते हैं जिनमें शुगर एडिड होता है, तो आप ऑर्गेनिक हनी यूज़ करें। ये ड्रिंक हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, टिल देन हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज़।